नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जयपुर में चेंज नेचरों के हमले में महिला घायल। रॉन्ग साइड आकर गले से तोड़ी चेन। रोड पर गिरने से हाथ पैर में लगी चोट। जयपुर में चेंज नेचरों के हमले से एक महिला घायल हो गई। गले से चेन तोड़ने के दौरान रोड पर गिरने से उसके हाथ पैर में चोट लग गई। घायल महिला का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया है। वैशाली नगर थाने में 6 दिन बाद पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस चेन स्नेचरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि वैशाली नगर निवासी 49 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 29 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे उसके साथ चेन स्नेचिंग की वारदात हुई। वह आम्रपाली सर्किल से क्वींस रोड की तरफ पैदल जा रही थी। इसी दौरान रॉन्ग साइड से बाइक पर दो लड़के आए, झपटा मारकर गले से तेज झटके से सोने की चेन तोड़कर ली। चेन लूटने के दौरान रोड पर गिरने से उसके हाथ और पैर में चोट लग गई। चोटिल होते देखकर बदमाश तेजी से बाइक लेकर फरार हो गए। राहगीरों ने घायल महिला को संभालने के बाद परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने घायल महिला का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया। 6 दिन बाद शुक्रवार को पीड़िता ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के साथ ही चेन लुटेरों की तलाश कर रहे हैं। दादा दादी ने पोती की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने कहा 50,000 जमा कराओ तभी देंगे माँ को नोटिस। हाई कोर्ट ने पोती की कस्टडी मांगने वाले दादा दादी को कहा है कि वे हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के नाम का 50,000 रुपये का चेक पेश करें, उसके बाद ही बच्चे की मां को नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही अदालत ने प्रमुख गृह सचिव SP करौली व ADG मानव तस्करी निरोधक यूनिट के मामले में जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस पंकज भंडारी व समीर जैन की खंडपीठ में यह आदेश प्रेमवती मीना व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया। अधिवक्ता मोहित बलवदा ने बताया कि प्रार्थिया के बेटे की मौत हो गई चुकी है और उनकी पुत्रवधु अपने 6 साल के बेटे के साथ लंबे समय से उनसे अलग रह रही है। याचिका में कहा गया कि उनके पोते को कहीं गंभीर बीमारियां हैं और उसे वहां पर पोषण नहीं मिल रहा, जबकि मेडिकल राय के अनुसार उसे पोषणीय भोजन की ज़रूरत है। कुछ समय पहले पोता करीब 1 माह उनके पास रहा था। उस समय वह काफ़ी खुश था और उसका वज़न भी बढ़ गया था, लेकिन उसके वापस माँ के पास जाने पर उसका वज़न कम हो गया, इसलिए उन्हें पोती की कस्टडी सौंपी जाए। अगली सुनवाई 31 नवंबर को होनी है। मारुति सुजुकी भारत की पहली सवारी। गांधी परिवार से सीधा नाता। 2.5 करोड़ कारें बनाई। 225 में लाएगी अपनी पहली EV। मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, जिसकी मारुति 800 कार अब तक देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मॉडलों में से एक है। इसकी कहानी बताने से पहले आपको बता दें कि इस कंपनी का सीधा कनेक्शन गांधी परिवार से है। कहानी शुरू होती है 1950 से, जब भारत सरकार को पीपल्स कार यानी आम लोगों की कार बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। 1960 में दो समितियों ने आम लोगों की कार की ज़रूरत पर जोर दिया। लगभग एक दशक के बाद सरकार को कुल 18 कंपनियों से आवेदन मिले। इनमें टाटा की टेल्को भी शामिल है, जो अब टाटा मोटर्स हो गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी के MD थे। उनकी इस कंपनी ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। सरकार को मारुति का आवेदन सबसे बेहतर लगा। सरकार ने आम लोगों की कार बनाने के लिए संजय गांधी की कंपनी मारुति को गुंडगांव में 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 297 एकड़ जमीन दी। यहाँ ऐसी छोटी कारें बनाने की योजना थी जो आम लोगों के बजट में आ जाए। आज वही मारुति 2.5 करोड़ कारें बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी हर महीने 14.75 लाख गाड़ियों की सर्विस करती है। वहीं देश भर में इसके 3,500 शोरूम है। इसमें दो और कैटेगरी
एरेना एंड नेक्सा भी शामिल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।